तीनों भाई से तीसरा भी आ गया। हे YouTube ओपी फैमिली, वेलकम टू केन स्टार। तो है गाइस, हम लोगों ने उस तरफ का एरिया को जो क्लियर कर लिया है उसको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से विलेजर्स ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो विलेजर्स पकड़े हुए थे, सबसे पहले उनको हटा लेता हूँ, कबूतर को वहाँ लेके चलते हैं। तो इसको यहीं पर रोक देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि इस तरफ क्योंकि टॉर्च नहीं लगाया है ना मैंने, तो ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम टॉर्च बना लेते हैं गाइस। तो मैं बस तो ये वाले को ले लेते हैं। ओके, क्राफ्टिंग टेबल नहीं है, क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं एक, और यहाँ पर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस कर देते हैं, सॉरी उस तरफ प्लेस करते हैं। उस चीज़ का अगर ज़रूरत पड़ जाएगा तो हम लोग इसी तरफ आ जाएंगे बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग अपना आयरन फार्म इसी तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कोल बना लेते हैं, थोड़े से टॉर्च स्टिक है हमारे पास गाइस। तो 64 स्टिक आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर किनारे किनारे पे थोड़े टॉर्च लगा देंगे जिससे यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो, नहीं तो हम लोग थोड़ा काम करने में लेट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको पूरा ही यहाँ से क्लियर कर दिया है, और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ इसको क्लियर ना करूँ, क्योंकि इसको क्लियर करने में गाइस 6-7 दिन लग गया है रियल टाइम। इस तरफ भी एक आयरन फार्म बनाऊंगा गाइस। मैं सोच रहा था कि अगर इसको फोड़ूं तो पूरा आयरन ही आयरन का एक फैक्ट्री टाइप सा बना दूं यहाँ, तो देखते हैं। हालांकि अभी तो एक ही आयरन फार्म से काम चलाते हैं, और यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो उसके लिए सबसे पहले टॉर्च लगा देंगे रैंडम जगह पर। विलेजर्स आ गए हैं, हमको चाहिए थोड़े से ब्रेड चाहिए इनको ब्रीडिंग कराने के लिए। तो ब्रेड मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने ट्रेडिंग किए हुए थे तो ओके गाइस। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से लीव्स ले लेते हैं। तो मैंने इसमें रखा हुआ है सब सामान, तो यहाँ से 64 लीव्स ले लेते हैं, और थोड़े से डर्ट ले लेंगे गाइस। डर्ट यहाँ पर है कि नहीं पता नहीं, ओके तो डर्ट नहीं है, डर्ट हम लोग इधर से ले आते हैं। और सबसे पहले तो हम फूड खा लेंगे थोड़े से, आई थिंक डर्ट ये वाले डर्ट ले लेते हैं, और हम लोग फूड सर्टिफिकेट को यहाँ से हटा के फूड खा लेते हैं। सेवन बाई सेवन का एरिया क्रिएट करते हैं पहले, तो आई थिंक यहाँ से चालू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फिर इसी को गिनेंगे गाइस एक, और इसके आगे बढ़ते जाएंगे 2 3 4 5 6 और 1 7 फिर इसको यहाँ से गिनेंगे 1 2 हो गया 3 4 5 6 और 1 7 अब इसी से फिर 7 गिनेंगे 1 2 हो गया 3 4 5 6 7 इसको रहने देने के बाद में अब अपन लोग लीव्स ले लेते हैं। नाइट होने से पहले काम करेंगे गाइस। एक बेड उस तरफ है, एक बेड को मैं यहाँ पर ले आता हूँ जिससे तुरंत सो जाऊँ और सवेरे हो जाए। मॉब स्पॉन होते हैं और अंधेरा हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, और अपना रिस्पॉन पॉइंट भी यहीं पर सेट कर लेंगे। और इसको हम लोग हो की जगह जमा लेते हैं,
रिप्लेस कर लेता हूँ और इसमें अपना रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर देते हैं जिससे कि हम लोग यहीं पर उठें। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से 10 ब्लॉक इस लिप्स को लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। बस गाइस चारों तरफ हम लोग को ऐसे ही करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इस तरफ भी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, लगा लेते हैं 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और देखिए 10। इसके अपोजिट साइड भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, कुछ अपोजिट तो हो गया इसके राइट साइड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है, कोई बात नहीं, डर से गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ओके, एक एक्स्ट्रा लग गया, इसको हटा लेते हैं। अब ये डर्ट को पूरे को हटा लेंगे। अब हम लोग क्या करना है, ये वाले जो डर्ट है इनको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर एक गड्ढा कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से ये पूरा डर्ट हटा लेंगे और जो लास्ट वाला डर्ट है उसका भी एक गड्ढा कर लेंगे। यहाँ से पूरा डर्ट हटा लेंगे और पर हम फिर एक गड्ढा कर लेंगे। ट्रेड कर रहा है भाई अपने पास जंगल। ओके, ये कुछ भी अच्छा चीज नहीं दे रहा गाइस, इसको मार देते हैं ट्रेडर के ऊपर। ओके, लामा को यहीं छोड़ देते हैं, उनकी लीड ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 लीड हो गए। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से 7x7 का एक गड्ढा क्रिएट करना है, तो उसको कर लेता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। फाइनली गाइस ये हम लोग का यहाँ पर 7x7 का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अब हम लोग यहाँ से इसको कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी जो स्टोन है यहाँ से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले हम लीव्स का एक घेरा बनाएंगे, तो सॉवेल से इसको हटा लेते हैं, ऊपर चलते हैं पहले से पूरे लीव्स ले लेते हैं और एक घेरा बनाएंगे। इसका कोई काम नहीं अभी तो, कॉपर है
इधर रख देते हैं, और ये भी बोट में एक्स्ट्रा रखा हुआ था इसको भी रख देते हैं। फर्नेस फर्नेस नहीं, इसको क्या बोलते हैं, फेंस फेंस गेट को भी इधर रख देते हैं, और लीव्स को इन्वेंट्री में रख लेते हैं पहले तो गाइस। और एक एक बढ़ा लेंगे क्योंकि हम लोगों ने सामने एक एक से तोड़ दिया है, एक एक नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास थोड़े से कोल है, हम लोग क्या करते हैं कि स्टोन थोड़े से स्टोन बना लेंगे गाइस निकाल के इसमें डाल देते हैं, तो थोड़े इसमें भी बन जाएंगे। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग का सब चीज़ हो गया है, इसको एक्स्ट्रा है इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर पूरे लीव्स जो है लग गए हैं। ओके तो अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि अंदर में बेड लगाना है, तो बेड ले लेते हैं पहले तो हम लोग, और बाकी लीव्स को है जो रख देते हैं इसी चेस्ट में, बेड निकाल लेंगे हम लोग। तो इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ से ऐसा बेड रखना चालू करते हैं। ओके गाइस, इतना हो गया। अब हम लोग को लेना है स्टोन और पिकेक्स ले लेते हैं, और यहाँ से इस पूरे को कवर कर देंगे। यहाँ पर एक एक स्टोन लगा देंगे गाइस हम लोग, लग गया है। अब यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, और शायद मैंने डर्ट डर्ट रखा है गाइस, पहले तो सो के लेंगे। फ्लैशिंग टेबल को लगाएंगे हम लोग, हम लोग पास 20 फ्लैशिंग टेबल है, इसको पूरे में लगा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक दो
पांच भी इस तरफ, एक दो तीन चार पांच, और पांच फिर इस तरफ, एक दो तीन चार पांच, और फिर पांच इस तरफ बचे हुए जगह में लगा देंगे। ओके, गड़बड़ लग गई। हमारे पास एक्स है, एक्स है थोड़ा सा बचा हुआ है इसका हेल्थ। इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम लोग को लेके आना है, पहले तो इसके सेंटर पे मार्किंग करेंगे, शायद यही है इसका सेंटर। एक और दो, इतना ही। अब हम लोग यहाँ से सॉवेल ले लेते हैं। अब हम लोग को लेके आना है विलेजर्स, विलेजर से पहले हम लोग ब्रेड भी ले आते हैं उस तरफ से। तो ब्रिज से जाने में तो टाइम लगता है, बाद में इधर से भी एक ब्रिज बना दूंगा, पैदल चलने वाला है जिससे जल्दी चल पाए हम लोग। फटाफट से ब्रेड लेके आते हैं हम लोग। ब्रेड रखा हुआ था, ये ब्रेड ले लेते हैं हम यहाँ से। ने ब्रेड तो पता नहीं होंगे कि नहीं, आलू भी रख लेते हैं यहाँ से हम। इतना तो काफी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, स्टोन भी लगाए थे, देखते हैं स्टोन का मेल्ट हुआ है कि नहीं। थोड़े से फूड खा लेते हैं, तो इसकी जगह फूड रख लिया जाए और यहाँ से हम लोग फूड खा लेते हैं। को लेके जाएंगे और एक्स ले लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले थोड़ी इन्वेंटरी खाली किया जाए और आपको इधर रख लिया जाए, बोट आएगा हम लोग। ऐसे भी नहीं आ रहा है, यहाँ से हम बिल्ड करना चालू करेंगे। मुझे यहाँ से पानी उठाना पड़ेगा बस। तो हम लोग ये वाले स्टेयर्स हटा देते हैं, देखते हैं कि विलेजर्स चढ़ पाता है।
तो एक विलेजर आ चुका है, लोग इसको पानी पर ले जाते हैं। एक विलेजर स्वप्न आ चुका है, दूसरे को लेकर आते हैं। स्टोन ही लगा लेते हैं, बस दूसरे को भी कैसे करके लेके आना पड़ेगा हम लोग को। तो वो सबसे पहले यहाँ पर सो जाते हैं हम लोग।
हाँ तो ये भी हमारा आ चुका है गाइस, इसको भी ले जाते हैं हम लोग धीरे धीरे। हाँ 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 तो ये भी आ चुका है गाइस अपना ग्लेशियर्स, इसको बोल को तोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, और इसका भी बोल तोड़ देते हैं, हाँ और सबसे पहले तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से, तो ऊपर चलते हैं। ऊपर निकलते हैं लीव्स लेके आते हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको कवर कर देंगे, नहीं तो जॉम्बी लोग पूरे विलेजर्स को खत्म कर देंगे। तो लीव्स ले लेते हैं, इनको हम बाद में ब्रेड खिलाएंगे क्योंकि इनका पॉपुलेशन बढ़ने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अभी तो हम लोग खैर इसको कवर कर देंगे। सबसे पहले तो इन दो विलेजर्स को स्टोन लगा कर यहाँ पर बंद कर देंगे। इन्वेंट्री में यहाँ पर थोड़े डर्ट रख लेते हैं, यहाँ से ये वाले स्टोन निकाल लेते हैं गाइस। जाकर थोड़े और से स्टोन लेके आते हैं। ठीक है, इतने स्टोन हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग दोनों को पूरे को कवर कर देंगे। अरे रे रे रे, ये विलेजर्स गड़बड़ कर दिया। नीचे चले जा भाई, थोड़े से टॉर्च लेके आना पड़ेगा। यहाँ से एक ले लेते हैं और दो ले लेते हैं, क्या फेंके अभी के लिए, पिकैक्स फेंक देते हैं, वाला टॉर्च उठा लेते हैं, नहीं तो नीचे ही ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे। हाँ
हुआ चार, हमारे यहाँ पर छह विलेजर्स हो चुके हैं और थोड़े। अब क्या करना गाइस, हम गिन लेते हैं, ये चार दो छह हो गए, छह के बाद थोड़ा सा और ब्रेड दे देंगे हमने, तो ब्रेड दे देते हैं जिससे कि और बच्चे पैदा कर सके, बेबी हो जाए, उसके बाद देखते हैं। और यहाँ से कभी निकलते हैं पहले, लेके आते हैं गाइस पहले हम हॉपर रख लेते हैं और साइन बोर्ड और कुछ चाहिए होगा स्लैब, तो स्टोन के स्लैब बना लेते हैं गाइस हम, इसको यहाँ से थोड़ा स्टोन के स्लैब बना लेंगे, थोड़ा सा हम लोग को इन्वेंट्री खाली करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा जो सामान है उसको यहाँ रख देते हैं टेबल कहाँ है यहाँ, तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं स्लैब, बस इतने स्लैब काफी है गाइस। और यहाँ से हम लोग रखेंगे फैंस रख लेते हैं, फैंस गेट रख लेते हैं और वाटर को भी रहने देते हैं गाइस। जैसे ही अपने 20 विलेजर्स यहाँ पर होंगे वैसे ही क्या बोलते हैं यहाँ पर अपने गोलम स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग को भी यहाँ पर एक टर्ट का ब्लॉक लगा लेते हैं गाइस। और यहाँ पर एक अब हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर एक परमानेंट ब्लॉक लगा लेते हैं, स्टोन ही लगा लेते हैं गाइस, अपने पास स्टोन की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको से हटाना पड़ेगा और हॉपर भी हटा लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक ब्लॉक रख के यहाँ हॉपर लगाना है, तो हॉपर को यहाँ से अब इसको हटा देंगे गाइस, और यहाँ पर हम लगा देंगे एक ये, उसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पर साइन बोर्ड और एक यहाँ पर भी साइन बोर्ड, ठीक है गाइस। और ये वाला जो जगह है इसको हम लोग कर देते हैं पैक, स्टोन से पैक कर देते हैं, और यहाँ से बाहर चलते हैं, पहले सो के आते हैं।
मारना है गाइस। बस हम लोगों को मिल गया क्या बोलते हैं उसको, गन पाउडर। यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ पर अपना पानी आ जाएगा और यहाँ पर एक अपन डर्ट था मेरे पास, गलत जगह आ दिया। यहाँ से डर्ट ले लेते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं और हम लोग को चाहिए फेंस गेट। फेंस गेट को हम लगा देंगे यहाँ पर और इसको खोल देंगे गाइस। हमारे यहाँ पर आ जाएगा लावा, अब यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं। कॉबल स्टोन लगा देंगे गाइस हम लोग, गलत जगह लग गया कोई बात नहीं। और इस तरफ से हम लोग पानी डालेंगे तो यहाँ और यहाँ देख लेते हैं गाइस। तो अभी नहीं लगाते नहीं तो गोलम जो है चढ़ जाएगा बाहर, तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं। और यहाँ से हम लोग जाते हैं गाइस नीचे, यहाँ जो गलत लग गया था उसको भी हटा लेते हैं और नीचे जाके देखते हैं कितने विलेजर्स हुए हैं अपने। तो विलेजर्स गिनना भी मुश्किल है गाइस। तो 20 तो नहीं हुए होंगे, इनको थोड़े से और ब्रेड देते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, तो 12 हो गए। 12 पाँच छ सात आठ नौ दस, ये 12। थोड़े और ब्रेड ले लो यार। ये सब जब बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर गोलम स्पॉन होने लगेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दो 12 थे गाइस। और ब्लेड ले लो, मेरे को लगता है ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पर अभी स्पॉन नहीं हो रहा है, मैंने बेबी नहीं कर रहे हैं विलेजर्स। जब तक गाइस मैं यहाँ पर लावा डाल के ट्राई कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ थोड़ी ना है। ठीक है गाइस, नहीं फैंस जो है तो चल जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला है, तो फिर से इसको यहीं लगा देता हूँ। और एक गेट हमारे पास था एक्स्ट्रा, इसको हम लोग लगा देंगे यहाँ पास, खोल देंगे और इसको यहाँ से हटा लेते हैं। जब तक हमारे विलेजर्स बढ़ेंगे नहीं तब तक गोलम स्पॉन नहीं होगा गाइस।
स्टोन ओके यहाँ भी स्टोन लगा देते हैं, कोल निकाल लेते हैं गाइस। वेट करना पड़ेगा गाइस विलेजर्स के बड़े होते थे। और इस जगह को मैं थोड़ा सा पैक कर देता हूँ यहाँ से, नहीं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह हो गए हैं गाइस, सत्रह अठारह उन्नीस बीस, तीन बेबी और चाहिए। ये अठारह हो गए, दो बेबी और, चार पाँच छः गिनने में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। एक बेबी और चाहिए बस, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, सिर्फ एक बेबी और चाहिए। बाहर बाहर जाने का रास्ता किधर है, इधर से आ गया। और ये जो जगह है इसको यहाँ से बंद कर देंगे, कॉबलस्टोन से कॉबलस्टोन रख लेते हैं। और यहाँ से बंद, यहाँ से बंद, यहाँ से बंद, इसको हटा लेंगे गाइस, यहाँ लगा देंगे एक स्टोन। फिर से रात हो गया, बिल्ली स्पॉन होना चालू हो गया है। जैसे ही हमारे विलेजर्स बड़े होंगे वैसे ही यहाँ पर स्पॉन होना चालू हो जाएगा, और यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़े से और स्लैब बना लेते हैं गाइस हम लोग।
कॉलम स्पॉन हो जाएगा। गाइस 8 हो जाएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है गाइस यहाँ पर। चेस्ट मैंने उठा लिया क्या? ओके, तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं चेस्ट। थोड़ा लैग कर रहा है गाइस, फूड खा लेते हैं सबसे पहले तो। अभी बच्चे जो हैं बड़े नहीं हुए हैं, तो मैं काम करता हूँ थोड़े से। मेरे पास अगर सैंड लेके आता हूँ, थोड़ा सा हम लोग कांच बना लेते हैं कि हम लोग अंदर विलेजर्स दिख पाए। सैंड ले लेते हैं, 25 बहुत होंगे। अंदर ग्रीन विलेजर्स हो जाएगा तो फिर यहाँ पर स्पॉन नहीं होगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर हम थोड़े से ग्लास बना लेते हैं। Ah.
विलेजर्स बड़े हो गए, कुछ विलेजर्स बचे हैं, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हैं। देखते हैं कांच अगर हमारा हो गया होगा तो क्लास। उससे पहले फूड खा लेते हैं। क्लास काफी है। सो फाइनली गाइस हम लोग के सारे विलेजर्स बड़े हो चुके हैं और आपको ऊपर सुनाई दे रहा होगा बहुत स्पॉन हो रहा है, तो यहाँ से हम ऊपर चल के देखते हैं। सो बकेट ले लेते हैं गाइस, हम लोग बकेट से पानी भर लेंगे और ऊपर यहाँ से पानी भर निकल लेते हैं और यहाँ पर पानी को हम लोग लगे रहने देते हैं गाइस और चल कर देखते हैं कि इसमें कितना आयरन इकट्ठा हो चुका है। 15 आयरन इकट्ठा हो चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर गोलम मतलब स्पॉन हो रहे हैं। बिल्लियाँ भी हो रही हैं स्पॉन, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है। उधर आया है ट्रेडर, आया है ट्रेडर को भी जाकर देख लेते हैं क्या दे रहा है। इसके लामा कहाँ कुछ खास है, इसको हम लोग अभी तो यहीं रहने देते हैं, बाद में इसको देखेंगे क्या करना है। और सबसे पहले तो गोलम दिखाता हूँ कि आपको कैसे स्पॉन हो रहा है। यहाँ पर हम क्राउच होकर बैठ जाते हैं, अब देखते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर एक साथ 2 गोलम स्पॉन होते हैं। देख सकते हैं ऐसे एक हो गया, कभी एक और कभी 2 स्पॉन होते हैं। सारे आयरन और विलेजर्स भी लगेंगे क्योंकि पटरियाँ बनानी पड़ेगी हमको खूब सारे। तो बस आज के लिए इतना ही।